Hello friend, how are you? Good morning and welcome to Explore Education, an innovative way of learning. So, आज है 27 मार्च 2019 और आज का जो हमारे जो करेंट अफेयर्स का सेशन आज शुरू करते हैं तो चलिए और आज का ये जो सेशन एक फेमस कोर्स से शुरू करते हैं और जानते हैं आज का हमारे जो पर्सनालिटी वो कौन है और हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. तो देखते हैं कि आज का जो हमारे जो लीजेंड है वो है चाणक्य. और आप तो चाणक्य के बारे में ज़रूर सुना होगा और जाना होगा. तो हम भी उनके कुछ कोट वो पहले से ही डिस्कशन किए हैं. तो ये उनका कहना है कि दान देने का स्वभाव, मधुर वाणी, सब्र और उचित अनुचित की पहचान मनुष्य के स्वाभाविक गुण है. इसलिए ये चारों बातें अभ्यास से नहीं आती है. यानी कि ये जो सारे जो क्वालिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो गुण है हमारे, इसको स्वभाव, ये हमारे स्वभाव है यानी कि ये हमारे अंदर है. इसको अभ्यास की ज़रूरत नहीं है और इसको हमें अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है. हम इसको हमारे अंदर से वैसे ही है और हम उसको पहचानना है और उसको अपने जीवन में लाना है कि हमको दान करना चाहिए. तो हमारे कितने सारे गरीब है तो उनके लिए तो दान की ज़रूरत है. और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अगर हम कुछ भी सहायता कर सकते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात होगी. और उसके साथ हम किस अपने वाणी में मधुरता लाए और किसी को अपने ठीक से व्यवहार करें और ठीक से व्यवहार करने में और बातों अच्छे बातों में पैसों की ज़रूरत नहीं होती. और अपने जो सब्र होता है यानी कि धैर्य होता है यानी कि उस धैर्य को धारण करना चाहिए. तो किसी भी काम करने के लिए अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते. तो इसलिए आपको धैर्य की ज़रूरत है और आपके उचित अनुचित की विचार की जो योग्यता होना चाहिए वो आपसे होना चाहिए. आप कैसे जान सकते हैं कौन हुई चीज़ राइट एंड हुई चीज़ रॉन्ग, सभी को हमने जानना चाहिए और उसको पहचानना चाहिए, उसके अनुरूप काम करना चाहिए. और यह हमारे स्वाभाविक गुण है, उसको हमें अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती. एंड फ्रेंड्स, आज है 27 मार्च. तो इस 27 मार्च को हर साल वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है. यानी कि आज है वर्ल्ड थिएटर डे. और ये जो वर्ल्ड थिएटर डे है इसको, ये जो वर्ष 1961 को इसका शुरुआत हुआ था. और ये जो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है यानी कि ITI, इसका ITI का फुल फॉर्म यहाँ है जो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट. ये जो ITI ने इसको 1961 में इसका शुरुआत किया था. एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली अंडर 27th मार्च बाय द ITI यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ थिएटर एंड इंटरनेशनल थिएटर कम्युनिटी. दिस डे इज ए सेलिब्रेशन फॉर दोज हु कैन सी द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द आर्ट फॉर्म थिएटर. यानी कि जो थिएटर का जो वैल्यू को समझता है वो इसको पालन करते हैं और आज को ये हम याद रखना चाहिए. तो चलते हैं आज का जो करेंट अफेयर्स को शुरू करते कि देखते हैं कि द हिंदू का आज का जो फर्स्ट पेज है उसमें आज क्या क्या आया है. और हम कुछ कुछ इम्पोर्ट कुछ वजह से जो दो दिन से करेंट अफेयर्स नहीं आया है हमारे चैनल पे, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो इसलिए नहीं आया है. तो आपके चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम वो जो रविवार का है वो तो वैसे भी रविवार में संडे को क्लास नहीं आता और ऐसे जो सोमवार और मंगलवार का जो क्लास है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इस हफ्ते में. तो आज का देखते हैं जो करंट अफेयर्स है और द हिंदू का जो करंट अफेयर्स है आज क्या क्या है. तो यहाँ बहुत सारे न्यूज आया है आज और बिट बाई बिट हम सभी को डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो फास्ट न्यूज़ आया है, ये जो आया है शारदा केस के, ये जो वेस्ट बंगाल का एक जो कंपनी है शारदा फंड उससे आया है. और वहाँ जो सुप्रीम एक जो CBI रिपोर्ट उसके बारे में आया है. और ये जो CBI रिपोर्ट आया है वो इस मैटर को बहुत सीरियस बता रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है. और इसको सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट किया गया है कि जो फार्मर को यानी कि जो पूर्वतन कोलकाता के पुलिस था वो चीफ कन्विस्ट हुई थी एक्यूज आज पोंजी केस सेज एजेंसी. और ये वहाँ से कुछ सीरियस इश्यूज आए हैं, मैटर्स आए हैं, लेकिन हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. तो हम आगे चलते हैं कि 70% ऑफ अ फ्लीट विल बी एयरबर्न इन मंथ, जेट एश्योर्स गवर्नमेंट. यानी कि ये जो जेट एयरवेज के तरफ से आ रहा है एंड उसका जो अभी ये जो जेट एयरवेज ये बहुत सारे घाटों में चल रहा है और ऐसे में उसके जो एम्प्लॉयज़ है
उनको भी अपने जो सैलरी देने में ये कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में वो अपने सारे जो फ्लाइट से सभी को ग्राउंड कर रहा है और ये उस न्यूज़ से। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हम उसको हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि एक यहाँ एक जो बहुत ख़राब न्यूज़ आ रहा है कि जो तमिलनाडु में 6 पीपल का डेथ हो गया है। वो जो सेप्टिक जो टैंक होता है, जो जो उसी टैंक जो सेप्टिक टैंक यानी कि जिसमें जो लैटिन का जो टैंक होता है उसमें वो जो उसका साफ़ करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ उनका डेथ हो गया है और ये न्यूज़ आ रहा है। और जो कुछ न्यूज़ और देखते हैं, यहाँ जो हमारे जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है ये एक जो सर्वे है और इस सर्वे का जो ये जो रिपोर्ट आया है, ये सर्वे का इस रिपोर्ट का ये कहना है कि हमारे जो देश के सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सबसे ज़्यादा उनका ऊपर जो पब्लिक का जो ट्रस्ट है उन यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर सबसे जो कम ट्रस्ट है, यानी कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज हमारे जो राजनीतिक दल है उनके ऊपर हमारे जो पब्लिक यानी कि हम आम लोगों का जो विश्वास है वो अभी नहीं रहा। और ये जो ट्रस्ट है आम लोगों का इस पॉलिटिकल पार्टीज पर वो बहुत ज़्यादा कम है। और ऐसे में हमारे जो आर्मी है और हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है यानी कि जो कोर्ट सिस्टम है उसके ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो ये एक रिपोर्ट आया है और सर्वे है अहेड ऑफ पोल्स शोज लैक ऑफ जॉब्स इन सिंगल बिगेस्ट स्टोरी, यानी कि लोगों का जो पॉलिटिकल पार्टीज और जो यानी कि जो राजनीतिक दल है उनके ऊपर विश्वास का कम होने का एक ही वजह है और वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो हमारे रोजगार का अभाव, और जो रोजगार का अभाव है इसलिए सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये जो लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये रिपोर्ट आया है और हम थोड़ा उसके डिटेल्स जाते हैं और देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है। और ये जो हमारे अभी लोकसभा इलेक्शन आ रहा है और इसलिए 12 स्टेट्स एक पब्लिक ओपिनियन का एक सर्वे हुआ था और इसमें ये पाया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो लोगों का बिल्कुल ट्रस्ट भी नहीं है। और उसके साथ जो इसका जो मेन वजह है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द बिगेस्ट इशू ये कहना है इस जो सर्वे का। एंड ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको नेगेटिव रेटिंग्स मिले हैं और इनका जो नेट ट्रस्ट रेट है वो -55% है। तो ये एक बहुत बड़ा जो ये उनका ऊपर जो ट्रस्ट कम हो रहा है ये कहना है। ऑन द अदर हैंड एंड ऑफ द स्केल द आर्मी इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमारे जो सेना है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास है लोगों का और ये जो 88% यानी कि 88% है तो उनका ऊपर जो लोगों का विश्वास। और जैसे भी कि हमने जाना है कि जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो ऐसे में लोगों का काफ़ी विश्वास बढ़ गया है आर्मी के ऊपर। एंड उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे जो जुडिशियरी सिस्टम है यानी कि जो न्यायिक व्यवस्था है उसके ऊपर लोगों का आस्था बढ़ा है, तो उनके जो आर्मी के ऊपर 88% और जो हमारे जो जुडिशियर है उसके ऊपर लोगों का आस्था है 60%। तो ये रिपोर्ट कहना है और ये जो रिपोर्ट था। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो आगे का न्यूज़ हमारे लिए क्या है। कि ये जो आगे का न्यूज़ आ रहा है ये जो हमने देखा कि जो पिछले न्यूज़ में जो फ्रंट पेज में था कि तमिलनाडु में 6 लोगों का डेथ हो गया है कि वहाँ जो सेप्टिक टैंक में घुसने की वजह से। लेकिन अभी एक टेक्नोलॉजी आ रहा है और ये जो IIT मद्रास है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। उसका कहना है कि जो अगर हम जो इंसान के जगह जो सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करें तो कैसा होगा, तो इसलिए वो रोबोट का इस्तेमाल करने के लिए एक कुछ टेक्निक का जो उसका डेवलप कर रहे हैं। और ये जो टेक्निक ये बहुत जल्द आने वाला है और वहाँ से बहुत सारे इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो चैलेंजेस है, ये IIT मद्रास का कहना है, IIT का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास का कहना है। तो ये यहाँ थोड़ा हम देख लेते हैं कि
अक्सर क्या हुआ है कि ए ग्रुप ऑफ आईआईटी मद्रास इज डेवलपिंग ए रोबोट टू क्लीन सेप्टिक टैंक्स आफ्टर मॉक ट्रेड्स और इन द लैब्स लैब शेड्यूल्ड फॉर अप्रैल एंड मे द रोबोट विल अंडरगो साइट ट्रायल्स इन जुलाई थ्रू अगस्त। एंड हमने जो देखा कि 6 पीपल का डेथ हो गया है, उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी आने वाला है और इसको जो फ्रॉम जनवरी 2019 एलन सम 15 डेथ्स हैव टेकन प्लेस, यानी कि जनवरी 15 से इस सिर्फ इस जो सेप्टिक टैंक से वजह से जो 15 लोगों का डेथ हुआ है, तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी आ रहा है। और ये जो आईआईटी मद्रास का ये कहना है कि मैनी टॉयलेट्स बिल्ट आर रिमोट एरियाज विथ नैरो स्ट्रीट्स वेयर द पंप्स कैन नॉट एंटर, यानी कि जो हमारे जो रूरल एरियाज है वहाँ सारे जो टॉयलेट्स का टॉयलेट्स बने हुए हैं उसमें वो इतने ज़्यादा नैरो स्ट्रीट्स में बने हुए हैं कि उनके उनके अंदर पंप्स का जो पंप्स होते हैं उसको जो यानी कि जो पंप्स होते हैं वहाँ से जो उसका मॉल को निकालने के लिए ये यूज नहीं हो सकता। तो इसलिए हम ये जो टेक्नोलॉजी आ रहा है इस उसके वजह से उसके जगह ये रोबोट का इस्तेमाल करेगा और ये उसका कहना है। लेकिन वहाँ वो बहुत सारे चैलेंजेस है ये जो इसके रोबोट का इस्तेमाल करने के लिए, तो ये चैलेंज को अगर हम क्रॉस करते हैं उसको ऊपर वो चैलेंज को डिफीट करते हैं तो आने वाले टाइम में हमको ये देखना मिल सकता है। तो ये जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है ये जो स्टबल बर्निंग के बारे में, कि हमने पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था कि जैसे मैं जो दिल्ली में जो बहुत ज़्यादा जो एयर पॉल्यूशन होता है वहाँ जो स्टबल बर्निंग होता है, जैसे कि हमारे जो स्टेट्स है जैसे कि हरियाणा हो पंजाब हो वहाँ जो अपने जो प्याडी फील्ड्स यानी कि जो धान का खेत होता है वहाँ वो उसमें जो सारे जो रेसिड्यू यानी कि जो अवशेष बचता है वो उसको क्या उसको जो आग लगा देते हैं और इसमें जो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है और वो एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि वो दिल्ली के एरिया को भी जो फैलता है। तो ऐसे में ये जो साउथ इंडियन स्टेट ऑफ केरला से भी यही न्यूज़ आ रहा है कि वहाँ लोगों ने भी ठीक से यही कर रहे हैं कि वहाँ के जो कुत्तानंद जो प्याडी फेल्स यानी कि जो धान खेत होते हैं जो केरला में वो भी अभी वो यही कर रहे हैं और ये जो अभी वो वैसे भी वहीं प्याडी फेल्स में जो रेसिड्यू है उसको भी जला रहे और ये वो जो जो बहुत सारे सीरियस हेल्थ हजार्ड्स जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट कर रहा है और ये जो फास्ट क्रॉप होता है उसको जो अपने काटने के बाद अभी वो जो रेसिड्यू यानी कि जो अवशेष बचता है उसको वो जला देते हैं। इन पंजाब एंड हरियाणा रेसिड्यू बर्निंग इज रैम्पेंट आफ्टर हार्वेस्ट, यानी कि पंजाब हरियाणा में तो वैसे भी कॉमन है एंड इसके वजह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होता है ये इस न्यूज़ का कहना है। और ये आप जो इसका जो एक पिक्चर देख सकते हैं कि कैसे उसका जो कितने धुआं दिख रहा है कि सारे जो सारे एरिया को ये कवर कर रहा है। तो इस समय जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है ये जो वैसे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये यहाँ जो कैसे बहुत ज़्यादा धूप के वजह से जो टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा है और नो रेस्पेक्ट फ्रॉम हीट एज मर्कुरी कंटिन्यूज इन राइज इन केरला, यानी जो साउथ इंडियन स्टेट ऑफ केरला है वहाँ वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इसमें वो जो मर्क्यूरी का अब भी जो राइज हो रहा है ये न्यूज़ है। और ये जो एक इमेज आ रहा है ये पीपल सेलिब्रेटिंग द ट्रेडिशनल फाग फेस्टिवल टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन एट रामपुर इन शिमला ऑन मंडे, यानी कि ये जो फ्लैग फेस्टिवल है ये एक उनका एक जो लोकल फेस्टिवल है जो हिमाचल प्रदेश में, और ये जो फाग फेस्टिवल है ये हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो फाग फेस्टिवल है ये जो फेस्टिवल का रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश में और ये जो स्प्रिंग का सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल होता है और हमने इसको देखा और इसको याद रखना चाहिए। तो नेक्स्ट न्यूज़ को तरफ जाते हैं और देखते हैं कि जो हमारे जो नेशनल पेज में सारे जो क्या क्या न्यूज़ है और उनको थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इंडियाज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस अप टू 5%, यानी कि जो जैसे कि ये एक रिपोर्ट आया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का और ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ये जो रिपोर्ट आया है इस रिपोर्ट का ये कहना है कि जो चाइना यूएस एंड इंडिया है यानी कि अमेरिका चाइना और भारत का जो जो उनका जो टुगेदर अकाउंटेड फॉर नियरली 70% ऑफ द राइज इन एनर्जी डिमांड, यानी कि जो दुनिया भर में जो एनर्जी का जो डिमांड यानी कि जो शक्ति का जो डिमांड होता है जो एनर्जी का डिमांड हो जैसे कि वो कोल का एनर्जी हो सकता है पेट्रोलियम जो का डिमांड हो सकता है और जैसे कि वो जो सोलर एनर्जी का हो सकता है उसका जो डिमांड है वो सिर्फ इन्हीं तीन
देशों में से जो 17% के आते हैं, और ये जो तीन देश है जो चाइना है, यूएसए एंड जो इंडिया है, ये जो टुगेदर ये तीन कंट्री सिर्फ मिलकर ही जो दुनिया का जो 70% का हिस्सा का जो एनर्जी का डिमांड है ये उसको मेंटेन करते हैं। तो देखते हैं कि जो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है और हम उसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या क्या इस रिपोर्ट में आए हैं। एंड ये रिपोर्ट का कहना है कि भारत ने जो इंडिया हैज एमिटेड 2,299 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 2018, यानी कि जो 2000 पिछले साल 2018 में भारत ने जो 2,299 मिलियन टन का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन किया था एनवायरमेंट पे। एंड ये जो 4.8% राइज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी कि ये जो 2017 के मुकाबले 4.8% का इसमें वृद्धि हुई है। और ये जो रिपोर्ट आया है ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है एंड उसको जो शॉर्ट फॉर्म में IEA बोलते हैं। एंड इंडियाज़ एमिशन ग्रोथ वाज हायर देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, यानी कि भारत का जो एमिशन है यानी जो कार्बन का उत्सर्जन का जो अमाउंट है वो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज़्यादा है। और ये बोला जा रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना है ये बहुत जो बिगेस्ट एमिटर्स इन द वर्ल्ड, एंड उससे भी भारत का जो उत्सर्जन बहुत ज़्यादा है। एंड दिस वॉज द प्राइमरीली ड्यू टू राइज इन द कोल कंजप्शन। और ये भारत में ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो चाइना और जो अमेरिका को भी वो पिछड़ रहा है, तो ऐसे में उसका जो प्रमुख कारण में से है उसमें है जो भारत में बहुत ज़्यादा लोग जो कोल का कंजप्शन करते हैं, और ये तो बहुत जो डोमेस्टिक यूज में आता है, लेकिन जो बहुत सारे इंडस्ट्री है जैसे कि जो को प्यूरीफाई करने के लिए भी कोल का यूज होता है, और बहुत सारे कामकाज के लिए कोल का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में जो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो ये वो चाइना और जो अमेरिका को भी पीछे कर दिया है। चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया टुगेदर अकाउंटेड फॉर नियरली 70% ऑफ द राइज इन द एनर्जी डिमांड, यानी कि सारा विश्व भर में जो शक्ति का जो डिमांड है मांग है, और इस जो एनर्जी डिमांड का जो सबसे ज़्यादा जो मांग है वो तीनों देशों में से सबसे ज़्यादा आता है। और ये तीन देश चाइना, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ये जो दुनिया का जो 70% हिस्से का जो एनर्जी डिमांड को मांग करता है। एंड इंडिया पर कैपिटा एमिशंस वेयर अबाउट 40% ऑफ द ग्लोबल एवरेज, यानी कि दुनिया भर का जो ग्लोबल एवरेज है उसका जो 40% सिर्फ इंडिया में है। एंड यानी कि ये जो पर कैपिटा एमिशन का ये यहाँ मेंशन किए हैं कि इंडिया जो पर कैपिटा यानी कि जो हर आदमी के ऊपर जो एमिशन है, यानी कि हर आदमी के लिए जो एमिशन है इंडिया का वो इंडियाज़ पर कैपिटल एमिशंस वेयर अबाउट 40% ऑफ द ग्लोबल एवरेज, यानी कि ग्लोबल एवरेज का ये जो 40% हिस्सा है सिर्फ भारत में है। एंड कंट्रीब्यूटेड 7% ऑफ द ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड बर्डन, यानी कि ये जो दुनिया के ऊपर जो बोझ है जिसको बोला जाता है इसका जो ये जो दुनिया में 7% सिर्फ भारत ही शेयर करता है, और ये जो भारत की हिस्सेदारी है जो कार्बन डाइऑक्साइड का दुनिया में तो ये 7% का है ये कहना है। एंड द US लार्जेस्ट एमिटर वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर 14%, यानी कि जो लार्जेस्ट एमिटर है दुनिया का जो यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि जो अमेरिका उसका है 14%, यानी कि भारत से जो दो गुना ज़्यादा। तो ये जो ये भारत ने एक यूनाइटेड नेशंस में एक कमिटमेंट किया था कि जो यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क हुआ था फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक जो यूनाइटेड नेशंस में एक कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज में जो हुआ था वहाँ भारत ने एक जो कमिटमेंट किया था, एक प्रतिज्ञा किया था कि भारत ने जो अपने जो एमिशन को एंड इसके इंटेंसिटी को वो कम करना चाहता है 2030 तक इसको इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इसमें शेयर करना चाहता है, इस कार्बन और जो डाइऑक्साइड का एमिशन को कम करने के लिए। एंड इसको जो 2005 के मुकाबले 2030 में वो बहुत ज़्यादा कम करेगा ये बोला था। एंड इट हैज ऑल्सो कमिटेड टू हैविंग 40% ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस बाय 2030, यानी कि ये इसके साथ एक और भी कमिटमेंट भारत ने किया था कि यूनाइटेड नेशन में कि जो 40% यानी कि जो 40% जो एनर्जी का जो भारत जो भी एनर्जी यूज करेगा उसमें जो 40% यानी जो 40% हिस्सा होगा
वो रीन्यूएबल सोर्सेस होगा, यानी कि जिस रीन्यूएबल सोर्सेस वो सोर्स होता है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर हो, वाटर हो, और जैसे कि विंड एनर्जी हो। इसमें से जो एनर्जी है वो भारत ये बोल रहा है कि उसमें जो 40-40% हिस्सा है वो सिर्फ रीन्यूएबल एनर्जी से ही जो गेन करेगा। और ये जो कंपैरिजन आ रहा है आप देख सकते हैं कि जो जहाँ कोयल प्राइमरी एनर्जी का जो डिमांड का पूरी करता है, वैसे वो सब देखिए कि कहाँ कितना है, कि 2018 जो 2017-18 साल में इसका जो कितने था, और इस साल जो प्रीवियस ईयर 2018 में कितने है, कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसका जो 2018 में 451 था, और इसमें से कुछ जो 2017-18 में उससे 4.5% कम था, लेकिन इस साल वो 4.5% ज़्यादा हो गई है। वैसे चाइना में 1% का बढ़ोतरी हुई है, और इंडिया में जैसे सबसे ज़्यादा 5% का जो इसमें इंक्रीज हुआ है इस डिमांड में। तो यूरोपियन यूनियन में है जैसे -2.6%, यानी कि उसमें जो 2.6% का ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ है यूरोप में, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ सिर्फ 1.4% का जो इंक्रीज हुआ है, और जो ग्लोबल एवरेज हुआ है तो 0.7% का इंक्रीज हुआ है। तो ये इसका कहना है। एंड हाउ एवर द जो ये जो इंटरनेशनल एनर्जी रिपोर्ट मेड पब्लिक ऑन ट्यूजडे शोड दैट इंडियाज एनर्जी इंटेंसिटी इम्प्रूव्ड डिक्लाइंड 3% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो इसका भारत का जो एनर्जी इंटेंसिटी है वो 3% वो कम हो गया है पिछले साल के मुकाबले। एंड ये जो रीन्यूएबल एनर्जी का है, एनर्जी का जो हिस्सा है उसका उसमें थोड़ा इंक्रीज हुआ है, और ये जो इंक्रीज है ये वो है 10.6% का, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट है। तो इसके लिए ये हमारे लिए एक अच्छा जो साइन है कि हम आगे हम जो ये जो कमिटमेंट है इंडियन यूनाइटेड नेशन में किया है उसको फुलफिल कर सकता है। एंड ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन इन 2018 इंक्रीज्ड एट नियरली ट्वाइस द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ सिंस 2010, यानी कि जो 2010 के मुकाबले 2018 में जो ये जो है जो ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन उसमें से 2 गुना की वृद्धि दर्ज हुई है, और ये जो रोबस्ट ग्लोबल इकोनॉमी एंड हायर हीटिंग एंड कूलिंग नीड्स इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिमांड फॉर ऑल फ्यूल्स इंक्रीज लेड बाय नेचुरल गैस इवन एज सोलर एंड विंड पोस्टेड डबल डिजिट ग्रोथ, यानी कि सिर्फ सारे फील्ड से सारे क्षेत्रों में जो ये एनर्जी डिमांड का बढ़ोतरी हुई है, और सबसे ज़्यादा जो नेचुरल गैस में हुई है और फ्यूल में हुई है। वैसे में हमारे जो रीन्यूएबल सोर्सेस है वहाँ भी उसका जो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और ये जो हमारे जो रीन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि सोलर हो, विंड हो, उसमें डबल डिजिट का ग्रोथ हुआ है, ये इस रिपोर्ट का कहना है। तो आगे चलते हैं और आगे का न्यूज़ को देखते हैं। हम यहाँ कुछ और जो छोड़ गए तो उसको थोड़ा देख लेते हैं इस रिपोर्ट के मुकाबले, कि ये जो डिमांड है उसका ये जो हाफ ऑफ द ग्रोथ इन द एनर्जी फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एज ए रिजल्ट ऑफ हायर एनर्जी कंजप्शन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस रोज 1.7% लास्ट ईयर, यानी कि जो 2017 के मुकाबले 2018 में इसका जो 1.7% का इंक्रीज हुआ है जो कार्बन एमिशन में, एंड ये न्यू रिकॉर्ड का जो हिट किया है। तो यूनाइटेड नेशंस हैड द लार्जेस्ट इंक्रीज इन ऑन एंड गैस डिमांड वर्ल्ड वाइड, यानी कि जो दुनिया भर में जो गैस का जो ऑयल एंड जो गैस का डिमांड है, यानी कि जो नेचुरल सॉरी जो ऑयल यानी कि जो फ्यूल है पेट्रोलियम फ्यूल है और ये जो नेचुरल गैस है उसके डिमांड से यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका का सबसे ज़्यादा डिमांड आता है अमेरिका से। एंड गैस कंजप्शन जम्प टू 10% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो गैस का जो 2017 के मुकाबले 2018 में जो गैस का कंजप्शन हुआ है वो 10% ज़्यादा हुआ है। एंड द इट इज़ द फास्टेस्ट इंक्रीज सिंस द बिगनिंग ऑफ द जो IEA रिकॉर्ड्स इन 1971, यानी कि ये जो फास्टेस्ट इंक्रीज है ये जो IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी जो एसोसिएशन ये जो है ये जो 1971 में इसका जो एक आकलन हुआ था उसके मुकाबले ये जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। एंड इंडिया सेज इट विल कॉस्ट एट लीस्ट $2.5 trillion टू इम्प्लीमेंट इट्स क्लाइमेट प्लेज, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज यानी कि जो एनवायरनमेंट चेंज को कंट्रोल करने के लिए भारत ने 2.5 trillion जो डॉलर का जो इसमें इम्प्लीमेंट इस्तेमाल किएगा करेगा, और इसमें जो अराउंड 71% ऑफ द कंबाइंड रिकॉर्ड स्पेंडिंग फॉर ऑल डेवलपमेंट कंट्री प्लेजेस। तो ये देखा, और इसमें थोड़ा आगे जाते हैं और आगे का न्यूज़ देखते हैं,
कि ये जो आगे का न्यूज आया है, ये जो चाइना से आया है कि चाइना ने क्या किया है कि उसमें से सारे उसका जो कुछ मैप ने बनाई थे अपने देश में उसको डिस्ट्रॉय किया है, यानी कि उसका जो नष्ट कर दिया है और उसको डिस्ट्रॉय किया है। अभी क्या हुआ है कि जो चाइना का ये बहुत दिनों से ये जो उसका जो दावा है हमारे जो इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश में और ऐसे में जो एक जो ताइवान है जो इसका जो ईस्ट कोस्ट में एक जो कंट्री है जापान के पास, उसके ऊपर वो अपने दावा पेश कर रहा है और ये बोल रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश और ये जो ताइवान है ये जो चाइना का ही पार्ट है। तो ऐसे में जो कुछ मैप पब्लिश किए गए थे चाइना से, तो इससे चाइना ने जो सभी मैप को डिस्ट्रॉय कर दिया है कि चाइना हैज डिस्ट्रॉयड 30,000 वर्ल्ड मैप्स प्रिंटेड इन द कंट्री फॉर एक्सपोर्ट फॉर नॉट मॉनिटरिंग अरुणाचल प्रदेश एंड ताइवान एज पार्ट ऑफ द चाइनीज टेरिटरी द ऑफिशियल मीडिया रिपोर्टेड ऑन ट्यूजडे। यानी कि ये जो चाइना ने 30,000 जो वर्ल्ड मैप को डिस्ट्रॉय किया है जो उस चाइना में ही प्रिंट हुआ था और इसको एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन ये जो इसमें जो अरुणाचल प्रदेश का मेंशन नहीं हुआ था और उसके साथ जो ताइवान है उसका भी मेंशन नहीं हुआ था कि ये जो चाइना का पार्ट है, तो इसलिए ये जो चाइना ने ये सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और चाइना क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश आज पार्ट ऑफ द साउथ तिब्बत, यानी कि ये जो चाइना का ये मानना है कि हमारे जो तिब्बत है जो जिसको जो चाइना ने अवैध कब्जा कर रखा है, जो चाइना का बोलना है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है जो इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसको ये चाइना का जो ये तिब्बत का जो एक पार्ट मान रहा है और इसको बोल रहा है कि ये जो तिब्बत का जो सदर्न पार्ट है ये अरुणाचल प्रदेश एंड routinely objects to Indian leaders visiting the state to highlight its stand and the two countries have so far held 21 rounds of talks to resolve the border dispute covering the 3,488 किलोमीटर लॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो चाइना और इंडिया में जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं जो उसका जो कंट्रोल एरियाज है उसको जो बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि LAC, जैसे कि हमारे जो पाकिस्तान और ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को बोलते हैं जो LOC, वैसे जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो एरियाज होते हैं जिसको जो भारत के कब्जे भारत का जो कंट्रोल वाला और जो चाइना का कंट्रोल वाला उसको LAC बोलते हैं। एंड द ये जो रिपोर्ट आया है ये ग्लोबल टाइम्स का आया है और एक जो स्टेट ओन्ड यानी कि जो उसका जो एक स्टेट रन न्यूज़पेपर है ये इसको कहना है। और ये उसका कहना है कि ये जो मैप है वो सभी जो चाइना का जो रॉन्ग डिस्क्रिप्शन कर रहे थे इस मैप के जरिए, तो इसलिए उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और यहाँ एक जो नेक्स्ट न्यूज़ आया है कि गवर्नमेंट नोटिफाइज न्यू रूल्स फॉर ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। ये गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि एक वो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लाया है जो हमारे जो मेडिसिन के लिए और इसको जो भी मेडिसिन को क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो यूज़ किया जाता था, कि ये न्यू रूल से क्या चेंज हो रहा है और इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने अभी जो हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है ये अभी जो ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स का जो रूल्स है उसका एक जो नोटिफिकेशन आया है 2019 के लिए। और ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है, ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स होता है वो जो किसी अगर न्यू मेडिसिन का इन्वेंशन होता है और या उसका जो मैन्युफैक्चर होता है उसको इस्तेमाल करने के पहले से ही उसका टेस्ट किया जाता है ये क्या ये सही है या ये गलत है। लेकिन इसको जो ट्रायल में कुछ बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और ये जो विद द गवर्नमेंट स्टेटिंग दैट द मूव इज एम्ड एट प्रमोटिंग क्लिनिकल रिसर्च इन द कंट्री, और ये जो न्यू रूल का ये मानना है कि ये हमारे देश में क्लिनिकल रिसर्च का जो डेवलपमेंट करेगा और इसको प्रमोट करेगा। द रूल विल अप्लाई टू ऑल न्यू ड्रग्स इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स फॉर ह्यूमन यूज, एंड ये जो सारे जो न्यू ड्रग्स होते हैं और उसको जो इन्वेस्टिगेशन करने कर किया जाता है जो ह्यूमन ड्रग को ये सभी को जो अप्लाई ये जो रूल अप्लाई होता है और ये जो ये उनका कहना है। और ये जो रूल होता है ये सभी जो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स है फॉर ह्यूमन यूज और जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए बायो इक्विवेलेंट स्टडीज एंड एथिक कमिटीज ये सारे के लिए जो मेडिसिन होते हैं ये सभी को ये रूल अप्लाई होगा। और ये जो गवर्नमेंट का ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें
ये कह गए है कि अभी जो बहुत टाइम कम है और इसको जो ये नोटिफिकेशन को इंक्लूड करने के लिए और ये जो हाईलाइट्स ऑफ द नोटिफिकेशन इंक्लूड रिडक्शन इन टाइम फॉर अप्रूविंग एप्लीकेशन व्हिच हैज नाउ कम डाउन टू 30 डेज फॉर ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड 90 डेज फॉर दोज डेवलप्ड इन आउटसाइड। यानी ये जो अभी भारत में जो ड्रग्स है उसको टेस्ट करने के लिए सिर्फ भारत के पास जो 30 डेज का कम है और जो बाहर से आया है उसमें 90 डेज का कम हो गया है, तो इसमें उसका कैसे ठीक से जो हो सकता है यूज हो सकता है। एंड एज पर द न्यू रूल द रिक्वायरमेंट ऑफ ए लोकल क्लिनिकल ट्रायल में बी वेव्ड फॉर अप्रूवल ऑफ ए न्यू ड्रग इफ इट इज अप्रूव्ड एंड मार्केटेड इन एनी ऑफ द कंट्रीज। यानी कि अगर कोई भी जो मेडिसिन है पहले से ही अगर वो जैसे कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो और यूएस हो, यानी कि अगर किसी भी अगर पहले से कुछ मेडिसिन है जो मेडिसिन पहले से मार्केट में मिल रहा है और उसका जो यूज हो रहा है लोगों ने ऑलरेडी उसको यूज कर दिया है और कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स है और यूनाइटेड यूनियन सॉरी जो यूरोपियन यूनियन है, अगर वो वही मेडिसिन को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो ऐसे में उसका एक बार और टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसको जो क्लिनिकल ट्रायल से बाहर करना चाहिए। तो ये एक स्पेसिफाइड क्या है ये जो ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने। एंड द न्यू रूल्स विल इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। एंड ये जो न्यू रूल है ये जो पेशेंट का सेफ्टी के ऊपर ध्यान देता है, यानी कि जो पेशेंट का हमारे जो पेशेंट है उनके कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। और ये जो आना एथिक्स कमिटी विल मोनिटर द ट्रायल्स एंड डिसाइड ऑन अमाउंट ऑफ द कंपेंसेशन इन केसेस ऑफ एडवर्स इवेंट। अगर कुछ भी हादसा होता है और उसको कैसे कंपेंसेशन किया जा सकता है उसके ऊपर भी ये विचार विमर्श कर रहा है। तो ये था। और नेक्स्ट न्यूज़ है कि इज डेथ बाय मॉस्किटो बाइट इंश्योरेबल। ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी ये उसके ऊपर है और उसके ऊपर हम ये क्या है थोड़ा डिस्कशन कर रहे। ये न्यूज ऐसे में आ रहा है अगर कोई किसी पर्सन ने ये जो अपने पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि जो स्वास्थ्य बीमा कर चुकी है अगर इसको वो पर्सनल डेथ में भी इंक्लूड किया है, यानी कि अगर वो उसका जो पर्सनल डेथ हो किसी पर्सनल वजह से भी डेथ हो गया है तो अगर उसमें भी उसका जो डेथ होता है तो उसमें भी अगर वो स्वास्थ्य बीमा पर्सनल डेथ के ऊपर किया है तो वैसे में अगर किसी को मच्छर काटता है और किसी वजह से उसका डेथ हो जाता है तो इसमें भी उसमें जो भी बीमा होता है अगर वो उसके पहले से बीमा करके रखी है तो इसमें क्या उसको ये इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सकता है और या नहीं किया जा सकता है ये इससे आ रहा है। और एक जो मोजाम्बिक में हमारे एक जो इंडियन का जो डेथ हो गया था मलेरिया में जो मच्छर काटने की वजह से और उसने पहले से ही स्वास्थ्य बीमा करके रखी थी तो ऐसे में ये जो न्यूज़ आ रहा है। एंड इट कैन नॉट बी कॉल्ड डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट इन मलेरिया प्रोन मोजाम्बिक। यानी कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है और इसको एक जो ये जो डेथ को यानी कि अगर मच्छर काटता है इसको एक्सीडेंट के रूप में एक्सीडेंट है के वजह से हुआ है ये नहीं बोला जा सकता है ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। थोड़ा हम उसको डिटेल्स के जाते हैं और देखते हैं इज डेथ बाय मॉस्किटो बाइट इन इज इंश्योरेबल इन ए पर्सनल एक्सीडेंट। यानी कि अगर किसका जो अगर मॉस्किटो मच्छर काटने की वजह से किसी का डेथ होता है कि क्या उसको इंश्योरेंस दिया जा सकता है और क्या ये एक पर्सनल एक्सीडेंट में गिना जाएगा, ये उनका ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता कि नॉट इफ द मॉस्किटो बाइट बीट द इंश्योर्ड पर्सन इन द रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक। अगर यानी कि किसी आदमी को अगर ये मोजाम्बिक जो एक अफ्रीकन कंट्री है अभी कुछ दिन पहले मोजाम्बिक में जो इदाई आया था इदाई एक जो साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था आपके जरूर सुना होगा, अगर ये मोजाम्बिक में होता है अगर मोजाम्बिक में किसी आदमी को मच्छर काटता है और उसका मलेरिया और कुछ भी और जो कुछ और प्रॉब्लम होता है और उसका डेथ हो जाता है तो ये मोजाम्बिक में उसको ये नहीं हो सकता है और उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। तो वैसे में हर तीन आदमी जो मोजाम्बिक में एवरी 3% में से 1% को जो मलेरिया होता है और इसलिए ये जो जजमेंट आया है ट्यूसडे को ये आया है। एंड द केस कंसर्न्स देवाशीष भट्टाचार्य जी, यानी कि ये जो एक इंडियन नागरिक थे देवाशीष भट्टाचार्य जी हु डाइड ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। ये उनके जो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की वजह से उनका जो डेथ हो गया था एंसेफेलाइट्स मलेरिया की वजह से। एंड ये जो एंसेफेलाइट्स मलेरिया होता है ये भी मॉस्किटो
यानी कि मच्छर काटने की वजह से ही होता है। और ये मोजाम्बिक में काम कर रहे थे और ये जो 2012 से मोजाम्बिक में थे। एंड हिज इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्ड पर्सनल एक्सीडेंट्स, यानी कि ये जो देवाशीष भट्टाचार्य है उनका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो जो पर्सनल एक्सीडेंट भी कवर करता है। एंड लेकिन अभी जो बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल, यानी कि हमारे जो उनका जो स्टेट है और उनके साथ जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, यानी कि जो जातीय जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है उसको जो उसका जो सॉल्यूशन निकलता है जो कमीशन है, वो दोनों ही इस केस को ये जो याचिका गए थे उसको डिसमिस कर दिया है। और ये जो याचिका की गई थी ये वही इंश्योरेंस कंपनी की ओर से ये जो याचिका की गई थी। एंड नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड दैट द मेन मैन डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन, द कंपनी आर्ग्यूड दैट ए मॉस्किटो बाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए पर्सनल एक्सीडेंट, यानी कि ये जो कंपनी है ये उनका ये जो आर्ग्यू किया था और ये जो युक्ति किया था कि अगर किसी को मच्छर काटता है तो इसको पर्सनल एक्सीडेंट में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। एंड इसके पर्सनल एक्सीडेंट का जो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कवर नहीं होता है। एंड ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी का कहना है एंड ये उनका जो एडवोकेट है माधवी दीवान, उनका ये कहना है कि डेथ ड्यू टू मलेरिया वाज ए कॉमन अकरेंस इन मोजाम्बिक, यानी कि अगर जो मोजाम्बिक है उसमें मलेरिया की वजह से डेथ होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड मिस्टर दीवान रिफर्ड टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2018, ये उसको बताने के साथ जो मलेरिया रिपोर्ट 2018 में आया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ये उन्होंने शो किया था। और ये उनका कहना था कि ये एक बहुत कॉमन इशू है जो मोजाम्बिक में, एंड एस्टिमेटेड 14,700 डेथ्स इन 2017, यानी कि 2017 में 14,700 लोगों का डेथ हुआ था जो मोजाम्बिक में, तो इससे में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया जाता है। द नेशनल कमीशन टू हार्ड एग्रीड दैट इफ द इंश्योरेंस कंपनी कुड कवर इवेंट्स लाइक स्नेक बाइट, फ्रॉस्ट बाइट एंड डॉग बाइट, देन व्हाई नॉट मॉस्किटो बाइट, यानी कि जो नेशनल कमीशन ये उसमें से ये जो ये एग्री किया था, यानी कि उसमें ये सहमति दायर की थी कि अगर किसी को अगर जो सांप काटता है और ये अगर किसी को डॉग बाइट होता है तो इसमें अगर फ्रॉस्ट बाइट होता है तो इसमें अगर मच्छर काटता है और उसका डेथ होता है तो इसमें उसका क्यों जो नहीं इंक्लूड किया जा सकता इंश्योरेंस में। एंड ये जो एक रिपोर्ट आया है कि ये जो हमारे जो ये जो 16 पेज जजमेंट आया है और ये जो 16 पेज जजमेंट में हमारे जो जस्टिस चंद्रचूड़ है, अभी हमारे जो जस्टिस है जो हमारे चीफ जस्टिस के साथ एक और वकील है उनका नाम है जो चंद्रचूड़ है, और उनका ये कहना है कि दैट बीइंग बिटन बाय ए मॉस्किटो इज एन यूनियन अनफॉर्सिन इवेंचुअलिटी है, और इसको जो 5% केस ऑफ जो मलेरिया है ये जो ग्लोबली का 5% है। एंड इट इज़ ऑन रिकॉर्ड दैट 1 out of 3 पीपल इन मोजाम्बिक इज एफिलेटेड विथ मलेरिया, यानी कि हर 3 में से 1% जो मोजाम्बिक में है वो मलेरिया से अफेक्टेड है, ये इस रिपोर्ट का कहना है। और यहाँ एक और न्यूज आ रहा है, वैसे भी वही जो वैसे भी वो हेल्थ रिलेटेड है कि शार्प राइज इन H1N1 केसेस, और ये जो मैटर ये जो न्यूज आया है और ये पिछले तीन हफ्ते है और जो पिछले 3 वीक में से जो ये जो इन्फ्लुएंजा का जो केस है इसका वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। और ये जो रिपोर्ट आया है पिछले 3 वीक का ये जो रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि हमारे जो भारत में जो इन्फ्लुएंजा का जो केस है और इन्फ्लुएंजा एक जो डिजीज़ है और ये वैसे भी वो जो मच्छर काटने के वजह से और कुछ वजह से होता है, और ये जो इन्फ्लुएंजा का जो केस है वो बहुत ज़्यादा उसमें पिछले 3 हफ्ते में उसका इंक्रीज हुआ है और इसको वो शार्प राइज बोला जा रहा है। तो और उसमें जाते हैं और थोड़ा देखते हैं कि ये जो न्यूज़ क्या है। इन ए मैटर ऑफ 3 वीक्स द नंबर ऑफ इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा ए सॉरी ये है इन्फ्लुएंजा ए और इसको H1N1 बोला जाता है, और इस केस में जो डेथ हुआ है भारत में वो पिछले 3 हफ्ते में वो बहुत ज़्यादा डेथ हो गया है, और ये जो डेथ बोला जा रहा है ये अबाउट 6,200 एंड ओवर 225 रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसमें जो केस दर्ज की गई है इन्फ्लुएंजा ए का केस उसमें जो ये बोला जा रहा है कि 6,200 केस दर्ज किया गया
गए हैं और उसमें जो 225 लोगों का डेथ हुआ है एंड फ्रॉम 14,803 केसेस एंड 444 डेथ्स टिल फरवरी 24 दिस ईयर द नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स टिल मार्च 17 हैज टॉस्ट 20,977 and 677 तो ये जो रिपोर्ट का ये आया है और उसमें जो ये कहना है कि अभी तक उसका जो 6,225 लोगों का डेथ हो गया है और ये जो उसमें जो पिछले साल के मुकाबले इस साल 14,803 केस आया है इसमें जो इंक्रीज हुआ है और ये न्यूज़ उसका कहना है। और जो इसमें जो एक जो और न्यूज़ आ रहा है इसमें ये बताया जा रहा है कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा इस जो इन्फ्लुएंजा ए के वजह से जो अफेक्टेड है और उसमें राजस्थान टॉप कर रहा है और जो ये जो राजस्थान कंटिन्यूज टू रिपोर्ट द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस एंड डेट्स फॉलोड बाय गुजरात, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा और उसके बाद गुजरात है और जो तीसरे नंबर पर दिल्ली है। तो ये न्यूज़ आ रहा है और जो तीसरे नंबर पर दिल्ली है और ये दिल्ली हैज द थर्ड मोस्ट नंबर ऑफ केसेस ये कहना है और उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र एंड कर्नाटक हैज नेसेसरी सॉरी नियरली डबल्ड इन 3 वीक्स, यानी कि जो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटक में जिस जो 3 हफ्ते में से पहले जो जितने भी पेशेंट्स थे उनमें से अभी ये 3 वीक में उनके ये वो जो डबल हो गया है और ये उसका इस रिपोर्ट का कहना है। तो ये था और देखते हैं कि जो आगे का ये जो न्यूज़ आ रहा है ये न्यूज़ आ रहा है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट से कि जो एमपी रेस्ट कंट्रोल टू ब्रेग्जिट प्रोसेस फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन से जो ब्रिटेन का अलग होने के लिए जो फैसला हुआ था और उसमें जो सांसद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये जो फैसला में सांसद ने चाहते थे कि जो यूरोपियन यूनियन से जो ब्रिटेन को अलग करने के लिए और थोड़ा टाइम होना चाहिए और सारे जो रूल्स रेगुलेशन से फॉलो करने के बाद अभी उससे यूरोपियन यूनियन से जो ब्रिटेन को अलग हो जाना चाहिए, ये न्यूज़ आया था। और तो देखते हैं कि आगे का ये जो हमारे ये जो इंटरनेशनल वर्ल्ड न्यूज़ के जो हम डिस्कशन कर रहे हैं और ये आया है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स अपसेट आज रशियन प्लेन्स लैंड इन वेनेजुएला, कि ये जो साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला है वहाँ एक जो रशियन प्लेन ने क्या किया है कि वहाँ लैंडिंग किए हैं, लेकिन जो ये जो अमेरिका है वो सारे जो दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है लेकिन ये उसको नहीं मान रहा है और इसको वो जो रशियन प्लेन का जो लैंडिंग होने से वेनेजुएला में जो अमेरिका वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ है और उसका वजह यूनाइटेड स्टेट्स ऑन मंडे accused Russia for reckless escalation of situation in Venezuela by deploying military planes, यानी कि वो जो सॉरी रशिया का जो लैंडिंग होने के वजह से अमेरिका ने बहुत ज़्यादा जो अभी नहीं चाहता है और अपसेट हो गया है और ये कहना है कि ये रशिया का कहना है कि दिस प्लेन्स फ्रॉम रशिया लैंडेड इन वेनेजुएला बिकॉज दे आर ऑथराइज्ड बाय द ओनली गवर्नमेंट दैट दे आर इज इन वेनेजुएला, यानी कि वेनेजुएला में जो सरकार है वो रशिया को ये परमिशन देता है और ऐसे में ये अमेरिका का कुछ जो नहीं रहता है कि कुछ बोलने के लिए रशिया के लिए और रशिया चाहे तो वो वेनेजुएला गवर्नमेंट से परमिशन लेके घुस सकता है और ऑलरेडी वेनेजुएला गवर्नमेंट जो रशिया को ऑथराइज कर चुका है एंड रशिया ऑल्सो वार्न्ड द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन इन वेनेजुएला, यानी कि अगर जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो कुछ भी करता है तो रशिया ने उसको एक सतर्क चेतावनी दी है और ये कहना है जो रशिया के यूनाइटेड स्टेट्स को कि ये जो वेनेजुएला में कुछ भी इंटरवेंशन ना करें। तो ये न्यूज़ था और जो नेक्स्ट न्यूज़ कुछ हम थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ एक और न्यूज़ आ रहा है कि अमिड यूएस टेंशन सी जिनपिंग सेज चाइना यूरोपियन यूनियन एडवांसिंग टुगेदर, यानी कि ये जो हमारे जो जो चाइनीज प्रेसिडेंट जो सी जिनपिंग है ये यूरोपियन कंट्रीज के जो यात्रा में गए थे लेकिन वहाँ उनका ये बयान सामने आ रहा है कि वो चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन एंड चाइना एक साथ आगे बढ़े, ये न्यूज़ आ रहा है। और आगे चलते हैं और थोड़ा देख लेते हैं कि आज का जो बिजनेस न्यूज़ सभी क्या क्या है तो थोड़ा उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसीव्स एग्रेसिव बिड्स इनपुट जो 34,500 करोड़ ऑफ रुपीज़ लिक्विडिटी, यानी कि ये जो एक जो बोली बोली डाक बोली का कॉल हुआ था जो
एक जो नीलामी जो नीलामी का बोली हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और इसमें से जो बहुत ज़्यादा उसका बढ़ोतरी मिला है और वो जितना भी एक्सपेक्टेशन किया था उसमें ज़्यादा बोली की डाकी गई थी। लेकिन जो की जो नोटिफाइड अमाउंट था वो $5 बिलियन का था, लेकिन ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिसीव किया है वो है $16.31 बिलियन। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा बोली गई है, और ये जो RBI का ये जो ये किया था तो इसने अपने जो लिक्विडिटी है उसको कमाने के लिए ये जो बोली नीलामी बोली गई थी। तो ये न्यूज़ आता है, और ये जो एक आया है कि जो कि लार्सन एंड टर्बो ये जो यानी कि जो एल एंड टी ये अभी जो माइंड ट्री के कुछ जो शेयर को ख़रीदना चाहता है, और ये जो माइंड ट्री का बोल रहा है कि 31% का जो स्टेक है यानी कि जो शेयर है अभी उसको खरीदना चाहता है, और ये जो ओपन ये अभी उसको एक जो माइंड ट्री को एक ओपन ऑफर दिया है, यानी कि जो एल एंड टी यानी कि जो लार्सन एंड टर्बो आप देख रहे हैं ये उसका सिंबल है जो लार्सन एंड टर्बो का, और ये जो लार्सन एंड टर्बो है ये अभी जो माइंड ट्री को उसके जो माइंड ट्री के 31% जो स्टेक यानी कि जो शेयर है अभी जो माइंड ट्री का वो खरीदना चाहता है, और उसमें उसने यानी कि जो एल एंड टी माइंड ट्री का जो 31% का जो शेयर खरीदना चाहता है वो उसने माइंड ट्री से 5,030 करोड़ रुपीस से ख़रीदना चाहता है। तो ये एक जो न्यूज़ आ रहा है, और पिछले हफ्ते में वो बहुत सारे इश्यूज आया था जो माइंड ट्री के ऊपर, हमने थोड़ा भी उसके ऊपर डिस्कशन किया था। तो लेट्स नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं, और कि जो RBI स्लैब्स 2 करोड़ ऑफ रुपीज़ पेनल्टी ऑन PNB यानी कि जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 2 करोड़ ऑफ रुपीज़ का जो एक जो जुर्माना लगाया है, और इसके ये क्यों हुआ है आप सभी को ज़रूर पता होगा कि कैसे कि जो हमारे जो नीरव मोदी और उसका जो अंकल है मेहुल चौकसी है वो पंजाब नेशनल बैंक से कैसे वो भागे थे जो बहुत सारे जो पैसे कर्ज लेके, तो ये उसके वजह से। और ये एक न्यूज़ आ रहा है कि लाउरस लैब्स इन पैक्ट विथ द ग्लोबल फंड, ये जो मेडिसिन मेकिंग कंपनीज है यानी कि जो ड्रग्स मेकर लाउरस लैब्स ये एक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जैसा एक उनके ये जो ग्लोबल फंड के साथ ये उनका एक पैक्ट शेयर हुआ है, और ये जो ड्रग मेकर लाउरस लैब हैज़ एंटर्ड ऑन इनटू ए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ द ग्लोबल फंड यानी कि ग्लोबल फंड के साथ उसका एक जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, और उसके मुताबिक ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ये 3.5 ईयर यानी कि 3.5 ईयर के लिए ये जो पैक्ट का ये जो एग्रीमेंट का एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट का जो शेयर हुआ है, और उसमें ये दोनों कंपनी जो उसके जो वॉल्यूम कमिटमेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं, और ऐसे में जो कैसे वो HIV और एड्स को वो कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसके ऊपर उनका जो विचार विमर्श होगा। एंड द फंड दैट इन्वॉल्व सप्लाइज टू द हाइट डिजीज बर्डन कंट्रीज इन द सब सहारन अफ्रीकन रीजन यानी कि ये वो सभी अफ्रीकन रीजन को भी हेल्प करना चाहते हैं। तो ये न्यूज़ आया है, और ये एक और न्यूज़ आ रहा है कि शिफ्ट टू फॉर्मल ट्रेड स्लोअर देन एक्सपेक्टेड यानी कि हमारे जो GST इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हमारे जो ट्रेड यानी कि जो ट्रेड हो रहा था उसमें बहुत ज़्यादा बहुत स्लो हो गया है, यानी कि जो हमारे जो देश में जो कि अभी जो GST इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ये जो हमारे जो ट्रेड चल रहा था दुनिया हर और कंट्री के साथ और हमारे देश के अंदर भी जो हमारे जो ट्रेड यानी कि जो व्यापार होता था उसमें जो घाटा देख रहा है, और ये जितना भी जो उसका जो घाटा जितना भी एक्सपेक्टेड किया गया था उसमें से ये बहुत काफ़ी ज़्यादा जो घाटे में चल रहा है, और उससे बहुत ज़्यादा जो स्लो हो गया है ये कहना है। एंड GST फोकस्ड ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि ये जो हमारे जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये अब उसका जो फोकस था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये क्या होता है, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये होता है कि अगर किसी देश में अगर उसको जो सर्वे किया जाता है तो देखा जाता है कि वहाँ जो बिजनेस करने के लिए कितने ज़्यादा फैसिलिटीज है और कितने लोगों का डिमांड है और उसके ऊपर वो कितने ज़्यादा वहाँ बिजनेस करना इजी है। तो ये जो क्राइटेरिया होता है उसको बोला जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड ये जो उसका जो प्रोसीजरल इश्यूज था और ये जो ट्रांजिशन फेज था वो भी बहुत ज़्यादा टॉप है यानी कि वो भी ज़्यादा बहुत परेशान कर रहा है, और ये जो
अभी ये बहुत ज़्यादा जो उसका जो स्लो हो गया है हमारे इंडियन का जो ट्रेड, ये कहना है एंड द एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 19 वाज 97,400 करोड़ ऑफ रुपीज हायर देन फाइनेंशियल ईयर 18 एवरेज। यानी कि जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है फाइनेंशियल 19 में जो 2018 के मुकाबले उसका जो एवरेज है वो 2018 के मुकाबले भी ज़्यादा है और ये जो पहले तिमाही चल रहा है ये उसके बारे में है। और अभी तो जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 अभी ख़त्म होने के कगार पर है 31 मार्च को, तो ये न्यूज़ आया है। और एक स्पोर्ट्स, थोड़ा स्पोर्ट्स का न्यूज़ देख लेते हैं। और स्पोर्ट्स में जो हमारे जो एक ही न्यूज़ आ रहा है कि हमारे ये जो अजलान शाह कप चल रहा था, सुल्तान अजलान शाह कप 2019 चल रहा था जो मलेशिया में, ये जो हॉकी का कप है, ये जो हॉकी का मुकाबला है और उसने जो भारत ने मलेशिया को 4-2 से हरा कर जो अपने ट्रॉफी को ले लिया है। और इंडिया स्वाम्स मलेशिया शेयर्स द टॉप स्पॉट विथ कोरिया, एंड ये कोरिया के साथ भारत ने भी ये जो टॉप स्पॉट पर है। और ये जो हॉकी का जो हो रहा था सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो ये मलेशिया में हो रहा था, तो आज के लिए बस उतना है। और वैसे तो और कुछ न्यूज़ नहीं है। और हमने जो दो जो सोमवार का और मंगलवार का जो दोनों न्यूज़पेपर का एनालिसिस है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज के लिए बस उतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मोटिवेट अस टू मेक बेटर वीडियोज़ फॉर यू एंड थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।